बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड रॉक्स। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियोस का अपडेट मिल सके। आज मैं आपके साथ चिकन छोले की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए वो 2 अदद छोटी प्याज लिए, 5 से 6 हरी मिर्च, 2 अदद छोटे साइज़ के टमाटर, नमक, उबले हुए चने जिनको मैश कर लिए, उबले हुए चने, बीच में चनों का पानी रखा हुआ है मैंने, जो बाकी चनों का पानी बच गया उसको एक ग्लास में मैंने डाले, बाद में से यूज़ करेंगे, चाट मसाला, ज़ीरा पाउडर, सुरख मिर्च, कुटे हुए लाल मिर्च, हल्दी, काली मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट, सूखा धनिया, 3 से 4 चम्मच दही और 3 से 4 चम्मच जो है इमली का रस चाहिए और उबले हुए आलू चाहिए 3 से 4। ऑयल जो है वो डाल दिया, उसको पहले हीटिंग के ऊपर रख दिया था, तो इसमें ये कटे हुए प्याज डालेंगे और इनको ब्राउन कर लेंगे, लाइट ब्राउन, लाइट गोल्डन ब्राउन। प्याज लाइट गोल्डन ब्राउन हो गया, अब इसमें अदरक लहसुन के साथ ही अब इसमें टमाटर डाल देंगे। टमाटर को सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। इस मसाले में हम नमक डाल देंगे, हल्दी, कुटी हुई लाल मिर्च, सुरख मिर्च, ज़ीरा पाउडर, ज़ीरा पाउडर नहीं, कुटा हुआ ज़ीरा, कुटा हुआ धनिया, चाट मसाला और काली मिर्च। इस मसाले को 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें ये उबले हुए आलू और चने डाल देंगे। इनको लिए फ्राई कर लेंगे, अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें ये जो 3 से 4 चम्मच दही रखा था वो डाल देंगे और इमली का पानी इसमें डाल देंगे। और ये जो चने बॉईल किए हैं वो इसमें डाल देंगे। चनों को 5 से 6 मिनट के लिए जो पानी डाला था उसमें पका लेंगे। अब इसमें जो चनों का बाकी पानी था वो भी डाल देंगे और इसको हल्की आंच पे 15 से 20 मिनट के लिए चूल्हा जो है वो बिल्कुल लो फ्लेम पे कर देंगे और इसको पका लेंगे। मज़ेदार से चिकन छोले रेडी हो गए। अब इसमें हरी मिर्च डाल देंगे और फ्लेम जो है उसको ऑफ कर देंगे। अब उसको डिश आउट कर देते हैं। मज़ेदार से चिकन छोले रेडी हो गए हैं। अगर आपको भी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल फूड रॉक्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियोज़ का अपडेट मिल सके।